वेलकम वेलकम हिना के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस सी मैंगो पुडिंग। ये देखिए लग रही है ना, देखने में भी डिलीशियस सी। इसको मैंगो कस्टर्ड केक भी कहा जा सकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। ये देखिए यहाँ हमने 3 आम का पल्प ले लिया है। इसको हम मिक्सी के जार में डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 बाउल शुगर और 1 कप मिल्क। इसको ऐड करने के बाद इसका एक बहुत फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही फाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा। बस अब एक पैन में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको साइड पर कर देंगे। और यहाँ हमने देखिए 1 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर, इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको करते हैं साइड और अपनी मैंगो पुडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मैंगो प्यूरी को हम एक खद्दा लगने तक पका लेंगे। बस ये देखिए खद्दा लग चुका है। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर का हमने घोल तैयार किया था वो ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। बस इसी तरह चलाते हुए हम इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी मैंगो पुडिंग पक चुकी है। बस इसको हमें इतना ही पकाना है। बस अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह इन बाउल में भी निकाल लेंगे। बस इनको अच्छे से हम टैप कर देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह निकाल लेंगे और 2 मैंगो के स्लाइसिस से इसको हम डेकोरेट कर देंगे। यहाँ पुदीने की या हरी धनिया की पत्ती लगा देंगे इस तरह। ये देखिए लग रही है ना बहुत यमी। तो चलिए अब आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।